आज तो हम खाली ये जो नशा अपने विक्रय मंडी में अपने इलाके में विधानसभा में उसके लिए भी हम सारे एक साथ आए। हम चाहते हैं कि ये नशा तुरंत बंद होना चाहिए और जो इसकी चैन है नशे की वो टूटनी चाहिए। जो सप्लायर है पहले उनको पकड़े और फिर नशे करने वालों को मोटिवेशन देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, इनको समझाना चाहिए कि हमको इन नशों से दूर होना चाहिए और इसकी गहराई से जाँच होनी चाहिए। ये कौन नशा लाता है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, ये पूरी डिटेल पता लगनी चाहिए और उस आंकड़ों के साथ पूरा प्रशासन को पता होके बाद में बताएगी। और ये अगर जल्दी नहीं कराना, हम थोड़े दिन बाद बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे नशे, जिसमें युवा लाएंगे हम हजारों की तादाद के साथ। आज नशे के जो है ये बढ़ रहा है सादुल शहर में, तो मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि अब जो है चरम पे आ गया बिल्कुल। बीच में एक बार पहले था, थोड़ा कंट्रोल हुआ था 2008 के बाद, और अब जो है मतलब मेरे को कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस टाइम सादुल शहर जो है, जो अपने कहीं पे भी आप सर्वे करवा लो, इंडिया में ही जो है पहले नंबर पे आ रहा है। ये शर्म की बात है, ये इतना ज़्यादा हो रहा है गलियों में और आम, जहाँ जाओ आप सरेआम जो है लोग यूथ जो है, और इसी नशे के कारण ही चोरियाँ बढ़ी है। पहले घर में वो लूट अपने घर को बिल्कुल खाली कर देते हैं, उसके बाद समाज के अंदर जो है वो चोरियां करते हैं। नेचुरली वो उसको जिसको आदत लग गई वो तो किसी भी कंडीशन में चोरी करेगा, जो भी करेगा उसको चाहिए। ये लालगढ़ के अंदर जो प्रकरण हुआ वो भी नशे का, नशेखोरी का था वो था उसके वजह से, तो इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और इसके लिए हम सब पार्टी और ये इन चीज़ों से ऊपर उठ के सभी एक जो है मत है। और यहाँ का सारा जो है मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, ये सब बच्चे हैं, युवा हैं, ये सब जो नशे कर रहे हैं उन कर रहे हैं या जो नशे की सप्लाई है उनके खिलाफ हैं, और हम इसी प्रकार से एक मुहिम चलाएंगे और जो है नशे को हम चाहते हैं कि सादुल शहर नशा मुक्त हो। बंद करो, बंद करो, नशाखोरी, बंद करो, बंद करो, नशाखोरी, बंद करो, बंद करो।